हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, आज हम लोग मेजरमेंट का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। और उसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग रेसिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है? क्योंकि हम लोग के कोर्स में केवल रेजिस्टेंस मेजरमेंट है, जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट के माध्यम से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक, रेसिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, देखो रेसिस्टेंस को हम लोग 3 तरह से मेजर कर सकते हो। ओम मीटर मेथड, ठीक है, पहला हुआ ओम मीटर मेथड, ठीक, आई होप दिख रहा होगा सबको, ओम मीटर मेथड, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, ठीक है, और मेगर मेगर मेथड, ठीक है। तो ओम मीटर मेथड होता है, या इसी को मिली ओम मीटर भी मेथड बोलते हैं, मिली ओम मीटर मेथड। बहुत स्मॉल रेसिस्टेंस मेजर के लिए किया जाता है, स्मॉल रेसिस्टेंस के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो होता है, 1 ओम से 1 मेगा ओम तक के लिए रेसिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए किया जाता है। और मेगर मेथड जो होता है, वेरी हाई रेसिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में ओनली व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है गाइस। हम लोग के सिलेबस में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। मेगर भी नहीं है, ओम मिली और ओम मीटर मेथड या मिली ओम मीटर मेथड भी नहीं है, ठीक है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जानने से पहले, ठीक है, ब्रिज के बारे में जान लेते हैं कि ब्रिज सर्किट होता क्या है। तो ब्रिज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है विच कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म, जिसमें 4 आर्म होता है, ठीक है, एंड 4 नोड। कितना आर्म होता है, 4 आर्म एंड 4 नोड होता है, एंड कनेक्टेड इन प्री डिफाइंड मैनर, ठीक है। और एक प्री डिफाइंड मैनर में कनेक्टेड होता है, जैसे बेसिक ब्रिज सर्किट हुआ, ये इस तरह का कनेक्शन होता है, ठीक है, बेसिक ब्रिज सर्किट, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ब्रिज सर्किट जो होता है 2 तरह का होता है, डीसी ब्रिज और एसी ब्रिज। डीसी ब्रिज से हम लोग रेसिस्टेंस और नॉन रेसिस्टेंस मेजर करते हैं, और एसी ब्रिज से रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस, सब चीज़ मेजर कर सकते हैं। बट हम लोग के सिलेबस में है ओनली डीसी ब्रिज। डीसी ब्रिज कहने का क्या मतलब हुआ, कि जो सोर्स लगा हुआ वो एक बैटरी लगा हुआ, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ, ठीक है, कोई अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स नहीं लगा हुआ, वोल्टेज लगा हुआ, ठीक, डीसी ब्रिज होता है, ठीक है। अब देखो गाइस, जो ब्रिज सर्किट होता है, ठीक है, बेसिक ब्रिज सर्किट होता है, उसमें 4 आर्म होता है। तो एक आर्म ये हुआ, एक आर्म ये हुआ, एक आर्म ये हुआ और एक आर्म ये हुआ। यानी आर्म कौन कौन हो गया, ए बी आर्म क्या क्या हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ए डी हो गया, ठीक है। ये 4 आर्म हो गया। नोड कौन कौन सा हो, ए बी सी डी, ये नोड हो गया, और या इसको बोलते हैं जंक्शन, ठीक है, 4 नोड होता है, ठीक। बीच में एक डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर क्या करता है, करंट डिटेक्ट करता है, ठीक है। जनरली हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग के कोर्स में है, ठीक है। तो यह बेसिक ब्रिज सर्किट है, और इसी सर्किट को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, ठीक है। कौन सा सर्किट बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। तो यह एक प्रैक्टिकल सर्किट होता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, मेगर मेथड, मीटर ब्रिज मेथड, हम लोग इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज मेथड, ठीक है। अब देखो गाइस, ये तो बेसिक ब्रिज सर्किट हो गया, कि इसमें क्या क्या होता है, 4 नोड्स होता है, ए बी सी डी, 4 आर्म्स होता है, ए बी सी डी, बी सी सी डी, ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, या 4 आर्म्स होता है, और बी और डी के बीच डिटेक्टर लगा होता है, ठीक। और इसके अपोजिट नोड पे बैटरी लगा होता है, सोर्स लगाते हैं, यानी डिटेक्टर और सोर्स कनेक्टेड टू अपोजिट नोड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, डिटेक्टर और सोर्स जो होता है कनेक्टेड टू अपोजिट नोड, डी एंड एस आर कनेक्टेड टू अपोजिट नोड, ठीक है। अपोजिट नोड मतलब अगर ये यहाँ कनेक्टेड होगा तो डिरेक्टर इस दोनों नोड पे कनेक्टेड होगा, तो इस दोनों नोड पे क्या कनेक्टेड होगा, सोर्स कनेक्टेड होगा, ठीक है, अल्टरनेट होता है, ठीक है। अब देखो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, कि प्रैक्टिकल क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल सर्किट कैसे हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल सर्किट कैसे होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सर्किट देख लेते हैं एक बार। प्रैक्टिकल सर्किट, प्रैक्टिकल सर्किट में क्या लेते हैं, अपना एक ब्रिज सर्किट होता है, जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, पी क्यू आर एस, ये सारा रेसिस्टेंस है, ठीक है। इसको याद रखना है, पी क्यू आर एस, इसी फॉर्म में
सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर डिटेक्टर के जगह क्या लगा था, गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी सोर्स लग कनेक्टेड होता है, ठीक है, बैटरी सोर्स कनेक्टेड होता है, ठीक है, प्लस माइनस ई, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यह जो रेसिस्टेंस होता है वेरिएबल होता है, आर जो होता है वेरिएबल होता है, और यह अननोन होता है, ठीक है, दिस इज अननोन। अब क्या करते हैं हम लोग कि जब इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर इसके थ्रू जो करंट होता है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। क्या करता है गैल्वेनोमीटर, इसके थ्रू करंट को मेजर करता है। तो हम क्या करते हैं इस वेरिएबल रेसिस्टेंस को वेरी कराते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कब इसके थ्रू जो करंट हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जब करंट इसके थ्रू जीरो हो जाए, व्हेन आईजी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो उस कंडीशन पे सर्किट क्या होता है, बैलेंस्ड हो जाता है, बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज, ठीक। कब बैलेंस हो जाता है, बैलेंस कब बोलेंगे, जब करंट इसके थ्रू जीरो हो जाए, इसको इस तरह वेरी करते रहते हैं, ठीक है, ताकि इसके थ्रू क्या हो, करंट जीरो हो जाए, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, सर्किट कैसा होता है, बैलेंस्ड स्टोन ब्रिज, ठीक है। यानी क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल रेसिस्टेंस आर एडजस्टेड सो दैट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकेम जीरो, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, ठीक है। यानी जनरल इक्वेशन ऑफ ब्रिज क्या बोल सकते हैं, बैलेंस ब्रिज का जनरल इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ बैलेंस ब्रिज आईजी क्या होना चाहिए, पहला आईजी क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, ठीक, आईजी जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो आईजी जीरो हो गया, ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, आईजी जीरो हो गया, यानी करंट थ्रू डिटेक्टर, यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर शुड बी जीरो, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर शुड जीरो, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उस कंडीशन में ब्रिज कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जब ब्रिज बैलेंस हो गया, ठीक, तो सपोज कर लो कि और क्या कंडीशन हो सकता है, इस नोड को नाम देते हैं ए, यह नोड बी, यह नोड सी, सॉरी यह नोड सी और यह नोड डी। तो जब इसके थ्रू करंट जीरो हो गया, यानी जीरो करंट कहने का क्या मतलब, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी शुड बी जीरो, पोटेंशियल बिटवीन बी एंड डी शुड बी जीरो। करेंट जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे दोनों सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, डेल्टा वी बाई आर, डेल्टा वी बाई आर, और जब आई जीरो हो गया मतलब डेल्टा वी भी जीरो हो गया, मतलब यहाँ और यहाँ का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी वी बी डी क्या हो जाएगा, वी बी डी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यह इक्वेशन होता है, मतलब यह दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो सर्किट कैसा होता है, बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। अब देखो सर्किट बैलेंस्ड हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज कर लो इसके थ्रू करंट आई वन जा रहा है, इसके थ्रू करंट आई टू जा रहा है, इसके थ्रू करंट आई थ्री जा रहा है, इसके थ्रू करंट आई फोर जा रहा है। हम लोग कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल ई वन है, ठीक, ए और डी के अक्रॉस का पोटेंशियल ई टू है, ठीक, इसके एक बी और डी के बीच का पोटेंशियल ई थ्री है, और डी और सी के बीच का पोटेंशियल ई फोर है, ठीक है, ये हम लोग देख लें, ठीक है। अब देखो जब बैलेंस सर्किट बैलेंस हो जाए, यानी आई जी जीरो हो गया, क्या हो गया, आई जी जीरो हो गया, इसका मतलब इस ब्रांच का कोई रोल नहीं है। अब इसको एनालिसिस करते हैं, कंडीशन निकालते हैं कि बैलेंस कंडीशन में क्या, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में क्या कंडीशन आ सकता है। यानी आई जी जीरो हो गया तो सर्किट कैसा बन जाएगा, मतलब उस ब्रांच का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आई जी जैसे ही जीरो हो जाएगा तो हम लोग का सर्किट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है।
PQRS. सर्किट कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच से कोई करंट नहीं था, ठीक है, और ये मेरा I1, ये I3, ये I2, ये I4, ठीक है, I4 हो गया, ठीक है। इसके क्रॉस का पोटेंशियल था मेरा, यह नोड ए था, यह नोड बी था, यह नोड सी था, यह नोड डी था, और यह ई वोल्ट का बैटरी था। इसके क्रॉस का पोटेंशियल था E1, ए और बी के क्रॉस का। इसके क्रॉस का पोटेंशियल था E2, इसके क्रॉस का पोटेंशियल था E3, इसके क्रॉस का पोटेंशियल था E4। अब देखो गाइस, जैसे ही यह कंडीशन आ गया, ठीक, यह सर्किट बना, मतलब यह इसके थ्रू गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो हो गया। जीरो हो जाने से क्या हुआ, उस ब्रांच का कोई रोल नहीं है। अब उस ब्रांच का कोई रोल नहीं है मतलब इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक, रिमूव कर दिए। यानी कि यहाँ से क्या हुआ कि यह I1 ही करंट क्या है, I3 है। तो एक और बात पता चला कि I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3, और दूसरा I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू I4, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हो गया, ठीक। और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हुआ होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा, ठीक। यानी कि I1 इक्वल टू I3 है, एंड क्या है कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, चूँकि यहाँ VBD क्या है, जीरो। क्या है VBD, क्या है हम लोग को VBD क्या है, जीरो। इसका मतलब क्यों जीरो होगा, कि यह ड्रॉप और यह ड्रॉप दोनों बराबर होगा। तो एक और लिख सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2 एंड E3 इक्वल टू E4, E3 इक्वल टू E4। इस सबको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्या पता चला, करंट जीरो होने से क्या होगा, ये कैसा सर्किट है, प्रैक्टिकल सर्किट है। हम लोग इस R को वेरी करके चेक करते हैं, जैसे ही करंट जीरो हो गया छोड़ देंगे, उस समय जो इसका जो रेसिस्टेंस होगा उसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे हम लोग प्रैक्टिकल सर्किट मीटर ब्रिज पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम लोग प्रैक्टिकली इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कैसे मेजर करते हैं, ठीक। अब देखो, जब ये जीरो हो गया, तो जीरो हो गया मतलब I1 I3 बराबर हो गया। जीरो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब ये ड्रॉप सेम होगा, ये ड्रॉप सेम होगा, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ का ड्रॉप जो होगा वही यहाँ का ड्रॉप होगा, और यहाँ का ड्रॉप होगा वही यहाँ का ड्रॉप होगा। तभी तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो रहा होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहा होगा, है ना, ठीक। अब देखो, अब क्या करते हैं, तो यहाँ से दो बातें कंक्लूजन निकला कि I1 I3 होगा, I2 I4 हो जाएगा, और E1 इक्वल टू E2, E3 इक्वल टू E4। ये इतना बात पता चल गया, ठीक है। अब आगे देखो, I1 इक्वल टू I3 है, ठीक। अब देखो, I1 I3 है, तो यह दोनों PQ किस में है, सीरीज में है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, E है। मतलब ध्यान से देखो, PQ यहाँ से तो I1 जा रहा है या I3 जा रहा है, और यह दोनों क्या है, I1 इक्वल टू I3, ठीक। और यह पॉइंट क्या है, A है, और यह पॉइंट क्या है, C है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा हुआ E, ठीक। तो अगर हम लोग इस सर्किट को देख के I1 और I3 कैलकुलेट करना, चूँकि दोनों बराबर होगा, तो I1 इक्वल टू I3 जो होगा वो तो कितना होगा, E अपन P प्लस Q, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक। और देखो, ठीक, सिमिलरली देखते हैं I2 इक्वल टू I4 के लिए, यानी यह दोनों ब्रांच किस में होगा, सीरीज में होगा, RS इस तरह, और इसके क्रॉस यह भी ए और बी के क्रॉस कनेक्टेड है, ए और सी के क्रॉस, और यहाँ पे इसके क्रॉस भी बैटरी क्या है, ई लगा हुआ है, प्लस माइनस ई। तो अगर ये I2 था और ये I4 था, I2 I4 क्या है, बराबर है, I2, और यही करंट जो क्या जा रहा है, I4 भी जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I2 इक्वल टू I4 इक्वल टू E अपॉन R प्लस S, ठीक। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब देखो, यहाँ तक तो पता चल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, चूँकि E1 इक्वल टू E2 है, अब एक इन्फॉर्मेशन ये भी पता है कि E1 इक्वल टू E2, ठीक है, योप ये हो गया हुआ, ठीक है, इसको रेज करते हैं, ठीक। अब एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, E1 इक्वल टू E2, ठीक है। हम लोग सिर्फ रिजल्ट को याद रखते हैं कि I1 बराबर I3 बराबर आया है E अपन R
पी प्लस क्यू और आई टू इक्वल टू आई फोर बराबर आया है ई अपन आर प्लस एस। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, बस हम लोग को रिजल्ट से मतलब है। ठीक, अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखो ई वन बराबर क्या हो सकता है। ई वन इक्वल टू ई टू है। ठीक, ई वन इक्वल टू क्या है, ई वन इक्वल टू ई टू। ठीक, ई वन इक्वल टू ई टू दिया है, ई वन को क्या लिख सकते हैं, आई वन इंटू पी इक्वल टू ई टू को क्या लिख सकते हैं, आई टू इंटू आर। ठीक, अब यहाँ से आई वन का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ई बाई पी प्लस क्यू इंटू पी इक्वल टू आई टू का वैल्यू पुट कर देते हैं, आई टू का ई बाई आर प्लस एस इंटू आर, ई कैंसल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर प्लस एस इंटू पी प्लस आर इंटू पी प्लस क्यू। यहाँ से क्या आ जाएगा, पी आर प्लस पी एस इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, पी आर कैंसिल, पी एस इक्वल टू आर क्यू। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस। क्या है, यहाँ से P बाई आर इक्वल टू क्यू प्लस एस, या ऐसे भी बोल सकते हैं P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यह दोनों क्या है, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। किसका कंडीशन है, बैलेंस ब्रिज का कंडीशन है। ठीक, यानी कि क्या हुआ, बैलेंस ब्रिज कब होगा, जब करंट क्या हो जाएगा, इस ब्रांच के थ्रू जीरो हो रहा होता। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता, करंट जीरो होता, उस समय बैलेंस्ड हो जाएगा। और बैलेंस के लिए कंडीशन क्या है, पी बाई आर यानी इसका और इसका रेशियो इक्वल टू इसका और इसका रेशियो होना चाहिए, या पी बाई क्यू इसका और इसका रेशियो इक्वल टू इसका और इसका रेशियो होना चाहिए। तो अगर यह दोनों कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब सर्किट कैसा हो गया, बैलेंस सर्किट हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, रेज करते हैं। ठीक, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि आई जी जीरो होता है, पहली बात, पहला बैलेंस्ड कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पहला आई जी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है, P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस, या P बाई क्यू टू आर बाई एस। ठीक, यह दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन हो गया, मतलब इन सब इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है। ठीक है, ठीक, दिस इज द रिक्वायर्ड, कि अगर ऐसा होता है तो सर्किट बैलेंस्ड होगा, और बैलेंस्ड होगा तो क्या कंडीशन डेवलप होगा, P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस, या P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, यह कंडीशन डेवलप होगा। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखते हैं, बेसिक सर्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक, क्वेश्चंस पाँच सौ ओम, 200 ओम, 125 RX। बी, ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्या लिया, ब्रिज इज बैलेंस्ड, फाइंड आर एक्स। आर एक्स निकालना, इस आर एक्स का क्या वैल्यू है, क्या कंडीशन दिया कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, ठीक है, ट्राई कीजिए। तो इरेज करते हैं हम लोग इसको।
ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। देखते हैं, जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो हमको पता है कि जैसे ही ब्रिज बैलेंस होगा मतलब आई जी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। आई जी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आई जी जीरो हो गया, इसका मतलब फॉर बैलेंस्ड ब्रिज के लिए, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, ब्रिज क्या होता है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना है कि यह पी होता है, यह क्यू होता है, यह आर होता है और यह एस होता है। तो जैसे ही ये पता चल गया कि बैलेंस्ड ब्रिज है तो क्या करेंगे, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो पी कितना है 500, क्यू कितना है 200, आर कितना है 125, एस कितना है आर एक्स। यहाँ से आर एक्स बराबर क्या आ गया, आर एक्स बराबर 200/500 × 125, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 50 ओम, ठीक है। कितना आ गया 50 ओम आ गया, ठीक है। तो आर एक्स का वैल्यू क्या हो गया 50 ओम, ठीक है। एक वीट स्टोन कभी कभी क्या देता है, सर्किट वीट स्टोन ब्रिज दे देता है और हम लोग को फाइंड का क्या करना होता है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है। तो हम लोग देखते हैं कि बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन है, टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट इन बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज। अब देखो भाई एक सिंपल सा सर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड आर ए बी, पहला फाइंड आर ए बी इक्वल टू व्हाट, दूसरा आई कितना होगा, मतलब बैटरी कितना करंट इस सर्किट को सप्लाई करेगा, ठीक है। देखो वाइज तो सर्किट देख के घबराना नहीं है, ठीक है। पहले सर्किट को ध्यान से देखना क्या वीट स्टोन ब्रिज फॉर्मेट थोड़ा इस तरह का, जब भी सर्किट है तो ख्याल किस पे जाना चाहिए, वीट स्टोन ब्रिज पे जाना चाहिए, ठीक है। ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक। कैसे हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक। अब देखो यह पॉइंट ए है, ठीक, यह पॉइंट ए है, ए और बी के बीच निकालना है। इसको पॉइंट सी दे देते हैं और इसको पॉइंट डी दे देते हैं। अब क्या करेंगे, रीड्रॉ द सर्किट। ए और बी के बीच 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, ठीक है, और 4 पॉइंट है, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं और एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं, नाम दे देते हैं, सी यहाँ ले लेते हैं और डी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ए और सी के बीच 5 ओम का है, तो ए और सी के बीच 5 ओम का, ठीक है। सी और डी के बीच 5 ओम का, सी और डी के बीच 5 ओम का, ठीक है। डी और बी के बीच 20 ओम का, डी और बी के बीच 20 ओम का। और यह देखो ए और डी के बीच 10 ओम का, ए और डी के बीच 10 ओम का, और फिर सी और बी के बीच 10 ओम का, और बैटरी किसके क्रॉस लगा है, ए और बी के बीच बैटरी लगा है 10 वोल्ट का, ठीक है। 5 वोल्ट का बैटरी लगा है, ठीक है। ये करंट आई जा रहा है, हम लोग क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर इसका रेशियो, इसका रेशियो चेक करो, 5/10 = 10/20 = 1/2, यानी यहाँ हेयर क्या हो रहा है, हेयर पी बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस, इम्प्लाइंग बैलेंस्ड
अब बैलेंस्ड हो गया, मतलब IG0। IG0 कहने का मतलब क्या होगा कि अपोजिट आर्म, अपोजिट नोड पर जो रेसिस्टेंस लगा होगा या गैल्वेनोमीटर लगा, उसके थ्रू करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एक और बात पता चलेगा कि इसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात पता चल गया। अब जैसे ही ये बात पता चला कि इस वाले ब्रांच से, क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही पता चला, मतलब इस 5 ओम का कोई रोल नहीं है, ठीक है, अब 5 ओम का कोई रोल नहीं है तो क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। ठीक, इसको रिमूव, सिंपली क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। सिंपली क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 ओम। सिंपल सर्किट कैसे बन जाएगा, ऐसा सर्किट बन जाएगा, ये 5 ओम हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा, ये भी 10 ओम हो जाएगा, ये 20 ओम हो जाएगा, और ये पॉइंट ए और बी, ए और बी। हम लोगों को क्या निकालना, आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, ए बी के अक्रॉस। अब देखो यह दोनों सीरीज में है, यह दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, सीरीज। तो कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। यह दोनों क्या है, सीरीज में, तो कितना ओम हो जाएगा, 25 ओम, 20, 10, 30 ओम हो जाएगा। अब यह दोनों आपस में पैरेलल में है, तो आर ए बी क्या हो जाएगा, 15 पैरेलल टू 30। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 गुने 30 अपन 15 प्लस 30, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 15 गुने 30 अपन 15 प्लस 30। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना आता है, ठीक है, ये कितना आ गया, 15 गुने 30 अपन 45, 15 तिया 45, 3 दहिया 30, मतलब 10 ओम आ गया। इसका मतलब आर ए बी कितना हो गया, 10 ओम। यानी कि सिंपली इस सारे सर्किट को हटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 ओम के रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक 10 ओम का रेसिस्टेंस, ठीक है, यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी, और इसके अक्रॉस 5 वोल्ट का बैटरी, हम लोग को ये करंट निकालना है 5 वोल्ट का। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, देखो सर्किट में, देखो सिंपल छोटा सा सर्किट बनाए, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V यानी 5/10, 0.5 एम्पीयर। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें R इक्विवेलेंट भी हमने निकाल लिए और करंट भी निकाल लिया। ठीक है, जनरली यह बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज में इस तरह का क्वेश्चन देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं, एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक, एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, उसके उसके बाद नोट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं और नोट पॉइंट लिखते हैं। ठीक, पहले नोट पॉइंट लिख लेते हैं, नोट, इंपॉर्टेंट नोट है। इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर डज नॉट डिपेंड, डज नॉट चेंज इफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। क्या बोल सकते हैं, इन व्हीट स्टोन ब्रिज ये सारा चीज किसके लिख लें, बैलेंस्ड के लिए, हम अभी अनबैलेंस्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बैलेंस्ड के लिए। इन व्हीट स्टोन ब्रिज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर डज नॉट चेंज ऑन इंटरचेंजिंग चेंजिंग द गैल्वेनोमीटर एंड एंड सोर्स, सोर्स कहने का मतलब बैटरी, बैटरी। क्या कहने का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर में सोर्स और बैटरी को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसके डिफ्लेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लो, देखो सपोज कर लो एक सिंपल सा,
अभी गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है, पी क्यू आर एस, और यहाँ पे इस आर्म पे बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यह नोड ए, यह नोड बी, यह नोड सी, यह नोड डी। अभी बैटरी किसके अक्रॉस लगा है? ए और सी के अक्रॉस लगा है, और बी और डी के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा है। तो यहाँ पर बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए, आईजी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और कंडीशन क्या आता था, पी बाई आर क्यू बाई एस, यह आता था, ठीक है, ये कंडीशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, ठीक, अब हम क्या करते हैं कि बी डी इस गैल्वेनोमीटर को ए सी के अक्रॉस लगाते हैं, और बी डी के अक्रॉस क्या लगाते हैं, बैटरी लगा देते हैं। यानी अब हम क्या करते हैं, सिंपली इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक, कनेक्शन को वैसे ही रखेंगे, सिर्फ गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक। यह मेरा ए नोड रहा, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब क्या किया, बैटरी बी और डी के क्रॉस लगा दी, और गैल्वेनोमीटर ए और सी के क्रॉस लगा दी, ठीक है। अभी भी मान लो, अब ये सब ये क्या था, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब ऐसा कुछ कंडीशन आ गया, ठीक है। अब अभी भी हम क्या माने कि मेरा सर्किट क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड होगा मतलब आई जी क्या होगा, आई जी जीरो, इसके थ्रू क्या होगा, जीरो होगा। तो कंडीशन क्या बनेगा, क्यू बाई पी, क्यू बाई पी इक्वल टू एस बाई आर, एस बाई आर, या इसी को लिख सकते हैं पी बाई क्यू आर बाई एस, ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग देखो, यहाँ से लिख सकते हैं, इस क्यू को नीचे लिख दो, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। दोनों से कंडीशन क्या आ रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। दोनों से कंडीशन क्या है, सेम हो रहा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी को चेंज करने से इसके डिफ्लेक्शन पे कोई करंट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन रिमेन सेम, सारा चीज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है, जो हम लोग एग्जाम में पूछा गया है विटेस्टोन ब्रिज से, उसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अनबैलेंस्ड विटेस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। देखो गाइस, एग्जाम में प्योरली व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन नहीं पूछता है, मेंस और नीट में आ जाता है, बट एडवांस के क्वेश्चन में मिसलिनियस कंसेप्ट से पूछता है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से मिला देगा, या किसी अदर सर्किट से इसको कंसेप्ट से इसको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन 2006 क्वेश्चन है, जो हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। क्या आंसर आया था, 0.5 एम्पियर, हम लोग इसको कर चुके हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन किए थे, कब पूछा गया था, 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, 2006 में एक क्वेश्चन दिया था व्हीटस्टोन ब्रिज का। इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज रेसिस्टेंस पी क्यू आर कनेक्टेड इन द थ्री आर्म। अब देखो गाइस, इसमें सिंपली दे दिया पी क्यू आर। अब ध्यान रखना है कि पी क्यू आर का कनेक्शन कैसे होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि इन व्हीटस्टोन ब्रिज द थ्री रेसिस्टेंस पी क्यू आर कनेक्टेड इन थ्री आर्म एंड द फोर्थ आर्म इज फॉर्म बाय टू रेसिस्टेंस एस वन एंड एस टू कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी दो रेसिस्टेंस से बना हुआ है, एस वन और एस टू से कनेक्टेड इन पैरेलल में, दोनों कनेक्ट है, ठीक है, एस वन और एस टू, ठीक है। अब क्या बोला है, द कंडीशन फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस्ड विल बी, क्या बैलेंस्ड ब्रिज के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक, कुछ इस तरह का सर्किट है। अब ध्यान रखना, उसमें क्वेश्चन में क्या था, पी क्यू आर दे दिया था। अब कनेक्शन कैसे करना है, तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, पी क्यू आर एस, ऐसे सीक्वेंस होता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ठीक, गैल्वेनोमीटर बीच में लग गया, ठीक है। अब जो फोर्थ आर्म है, एस वन और एस टू दो रेसिस्टेंस से बना हुआ पैरेलल में कनेक्टेड है, हम लोगों को कंडीशन निकालना है फॉर बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड के लिए कंडीशन निकालना है, कंडीशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो, कंडीशन के लिए हम लोग जानते थे कि अगर इस ब्रांच में सिंगल रेसिस्टेंस रहता, एस रहता, ठीक, तो क्या हो जाता, पी बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस, यही कंडीशन होता, ठीक। और चूंकि एस दिया है, एस इज द कम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों के बदले एस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू एस वन पैरेलल टू एस टू, या दोनों पैरेलल में, यानी एस वन एस टू अपन एस वन प्लस एस टू,
ठीक, ये हो गया एस बराबर, ठीक, ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू। अब इसमें पुट कर देंगे पी बाई आर इक्वल टू क्यू टाइम एस वन एस टू एस वन प्लस एस टू। अब देखो अब ऑप्शन चेक करते हैं क्या ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है, हो गया यही कंडीशन होगा, ठीक है, क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। पी बाई क्यू फर्स्ट ऑप्शन, पी बाई क्यू टू आर कैंसिल, सेकेंड ऑप्शन पी बाई क्यू दिया हुआ है, तो पी बाई यहाँ से क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू इक्वल टू आर इंटू एस वन प्लस एस टू अपन एस वन एस टू। देखते हैं क्या ऑप्शन में है, पी बाई सेकेंड ऑप्शन पी बाई क्यू आर इंटू एस वन प्लस एस टू, यस, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये भी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कुछ सर्किट दिया हुआ, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन को, पढ़िए तब तक, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, आर 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 सिक्स आर 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 फोर आर, ठीक है, कुछ इस तरह का सर्किट है, ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन पढ़ ले होंगे, ठीक है। यह प्योर वीट स्टोन ब्रिज का नहीं है, बट इसमें वीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लग जाएगा, ठीक है, ठीक। एक ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस 4 ओम, एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, ठीक है, ई वोल्ट का बैटरी है, कुछ कनेक्शन इस तरह दिया हुआ है, ड्रॉ कर देते हैं, आर आर आर, ठीक है, सिक्स आर 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 फोर आर, कुछ इस तरह से कनेक्शन दिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बैटरी ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस फॉर्म इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस एज शो इन फिगर, रेसिस्टेंस का नेटवर्क दिया शो इन फिगर, इन ऑर्डर टू मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर टू द नेटवर्क द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू निकालना है, सो डैट पावर डिलीवरी मैक्सिमम, क्या है, पावर डिलीवर इज मैक्सिमम, ठीक है, ठीक। अब इस आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से ही रिलेटेड है, बट प्योर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है, देखते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यह जो क्वेश्चन है, ठीक, यह जो क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लें, एक बार उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, ठीक है, ये फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या था, कि हम लोग एक बैटरी लगा बनाए थे, ठीक है, एक जिसको हम लोग VTH बोले थे, ठीक, इसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस बनाए थे, एक RTH और एक लोड था RL, RL A B, ठीक, B। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ये करेगा कब, जब मेन आर एल इक्वल टू आर टी एच हो जाए, ये कंडीशन हम लोग ट्राई कर लिए थे, ठीक है, ठीक। अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस आर का क्या वैल्यू होना चाहिए, मतलब इस पूरे ये नेटवर्क का, यह पूरा रेसिस्टेंस नेटवर्क है, ठीक है, हमको इससे मतलब है रेसिस्टेंस नेटवर्क, इस नेटवर्क में क्या आर का वैल्यू होना चाहिए कि यह बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर किया जा सके। तो हम लोग इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब उस इसमें कन्वर्ट करने के लिए देखो, तो ये बैटरी है, एक सीरीज में रेसिस्टेंस है 4 ओम, तो RTH हो गया। अब एक RL लोड तो पूरा ये हो गया, क्योंकि इस पूरे नेटवर्क की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको और हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, कैसे इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। यह देखो, यह दोनों, यह एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है, यह दोनों आपस में गैस सीरीज में, तो कितना आ जाएगा 2R, ठीक। यह दोनों आपस में गैस सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा 2R, ठीक। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, यह पॉइंट सी है और यह पॉइंट डी है, ठीक। तो इसको देख लेते हैं, इस वाले नेटवर्क को, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, ए
और बैटरी लगा हुआ ए और बी के क्रॉस, ए बी सी डी, जो भी ए और सी में एक आर लगा हुआ है, सी और बी में टू आर लगा हुआ है। देखो इस इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, टू आर। डी और बी में फोर आर लगा हुआ है, ए और डी में टू आर लगा हुआ है, और सी और डी में सिक्स आर लगा हुआ है, और ए और बी के क्रॉस एक बैटरी लगा हुआ है, और चार ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ई फोर। अब देखो भाई यह कुछ सर्किट कैसा बन रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप दिख रहा है। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है, यह क्या बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड होगा तो आर इक्विवेलेंट निकालना हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो क्या कर देंगे, बैलेंस्ड के लिए क्या करते हैं, रेशियो चेक करते हैं कि इसका रेशियो क्या, इसका रेशियो बराबर है। तो यहाँ पर चेक करो, आर बाई टू आर इक्वल टू टू आर बाई फोर आर, दोनों तो बराबर है, कितना आ रहा है 1/2। इसका मतलब कैसा है, बैलेंस्ड वेट स्टोन है, बैलेंस्ड। अब जैसे ही बैलेंस्ड आ गया इसका मतलब खुश हो जाना है। ठीक है, क्या क्यों खुश हो जाना है, कि इस बेचारा सिक्स ओम का कोई रोल नहीं है, फालतू का है। ठीक है, मतलब इस सिक्स ओम को कोई रोल नहीं है, यानी यहाँ से सिक्स ओम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से सिक्स ओम हटा देंगे। अब देखो ये अब तो सिंपल सर्किट हो गया, पैरेलल सर्किट हो गया, सीरीज पैरेलल सर्किट। यह दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, तो थ्री आर हो जाएगा। यह दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सिक्स आर हो जाएगा। और सिक्स आर और थ्री आर क्या है, पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यानी हम लोग आर ए बी निकाले, आर ए बी निकाले तो क्या हो जाएगा, थ्री आर पैरेलल टू सिक्स आर, यानी कितना होगा, थ्री आर इंटू सिक्स आर प्लस अपॉन थ्री आर प्लस सिक्स आर, यानी कितना हो गया, थ्री आर इंटू सिक्स आर अपॉन नाइन आर, ये कितना हो गया, थ्री टू आर, यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, टू आर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन ये बन गया कि ए बी के क्रॉस एक टू ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एक ई वोल्ट का बैटरी है और एक फोर ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, कुछ ई वोल्ट का बैटरी, एक फोर ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, और इसमें हम लोग को मैक्सिमम पावर निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर रहा है तो आर का क्या वैल्यू होगा। देखो भाई इस दोनों सर्किट को कंपेयर करो। ठीक है, घी टी एच बराबर ई हो जाएगा, आर टी एच बराबर क्या हो जाएगा, फोर आर, फोर ओम हो जाएगा। आर एल बराबर क्या हो जाएगा, ये लोड लगा हुआ था, यहाँ पर लोड क्या, टू आर है, आर एल बराबर क्या हो जाएगा, टू आर। और फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर, और मैक्सिमम पावर आर एल बराबर क्या हो जाता है, आर टी एच, आर एल बराबर आर टी एच, यानी यहाँ से क्या आ गया, आर एल कितना है, टू आर बराबर फोर, यानी आर बराबर कितना आ गया, टू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, ठीक है, इस तरह हम लोग देखो यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट सिर्फ यूज किया गया था सर्किट को। अगर किसी को पता नहीं होता बैलेंस का कंडीशन तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें किस चीज़ का कंसेप्ट लगता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंसेप्ट लगा है। ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो लेक्चर है उसको देखिए, उसमें पूरे डिटेल से इसको समझाया गया है कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब ब्रिज अनबैलेंस्ड हो, ठीक है, ब्रिज इज अनबैलेंस्ड, देन इन दैट कंडीशन व्हाट वी डू। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, ठीक, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, ये तो ही बैलेंस्ड का था। ठीक है, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग दो चीज़ निकालते हैं, एक तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक, और दूसरा करियन थ्रो गैल्वेनोमीटर, दो तरह का क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, इसमें दो बातें हो सकती हैं, पहला आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, टू फाइंड आर इक्विवेलेंट,
दूसरा फाइंड करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अच्छे से इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक, कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जब कब, जब बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड हो। अनबैलेंस्ड का कहने का क्या मतलब हो गया, पी बाई आर इज नॉट इक्वल टू क्यू बाई एस। जब ऐसा कंडीशन नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड। और जब ऐसा नहीं होगा तो आई जी भी इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कुछ करंट फ्लो करेगा। तो एक तो हो गया आर इक्विवेलेंट निकालने का, और एक ये करंट कितना आएगा इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, कि आर इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट, सॉरी क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, वन ओम, टू ओम, वन ओम, वन ओम, टू ओम। ठीक है, ठीक, और ये कितना, वन ओम। ठीक है, ठीक, ये कुछ इस तरह का कनेक्शन है। ठीक है, हम लोग का क्या लगा, ये सर्किट देख के समझना है कि कैसा है। हम लोग क्या निकालना, आर इक्विवेलेंट निकालना, बेसिकली आर ए बी निकालना है। आर ए बी क्या होगा, ठीक है, इसके बदले हम लोग एक सिंगल असिस्टेंट से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसको बनाने के लिए कोई मेथड तो है नहीं, तो हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, टेस्ट वोल्टेज अप्रोच। ठीक है, उससे भी पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस वी टू स्टूडेंट ब्रिज सर्किट है। देखो इन दोनों आर में लगा हुआ है, बीच में एक रेसिस्टेंस है, यहाँ गैल्वेनोमीटर भी हो सकता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, टू बाई वन दिस अपन दिस इक्वल टू वन अपन टू है कि नहीं, इज नॉट इक्वल टू वन अपन टू, इसका मतलब क्या होगा, अनबैलेंस्ड। जैसे ही अनबैलेंस्ड होगा मतलब इसके थ्रू करंट क्या होगा, कुछ तो कुछ करंट होगा। ठीक है, तो चलो ये हम लोग को पता चल गया कि इसके थ्रू भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड हो गया, अब इसको आर ई बी कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जो मेथड यूज करते हैं, टेस्ट वोल्टेज अप्रोच मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करते हैं, टेस्ट वोल्टेज अप्रोच मेथड। ठीक है, टेस्ट वोल्टेज अप्रोच, इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, टेस्ट वोल्टेज अप्रोच मेथड में, ठीक है, क्या करते हैं कि हम लोग इस टर्मिनल के क्रॉस एक वी वोल्ट का बैटरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वी वोल्ट का बैटरी लगाते हैं, और इसके थ्रू करेंट सब मान लेते हैं कि आई फ्लो कर रहा है। क्या सारा सर्किट में करेंट मूव करेगा, तो अगर हम इस टर्मिनल के क्रॉस रेसिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, तो क्या आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आई, यह क्या दे देगा, आर दे देगा, बेसिकली आर ए बी दे देगा। ठीक, तो हम लोग वी बाई आई का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, यह करेंट गया, ठीक है, सपोज कर लो कि इस ब्रांच में करंट कितना चला गया, आई वन चला गया। अब यहाँ पे केसीएल लगाओ, यह करंट इधर से आई आया, यहाँ आई वन गया, तो इसमें कितना चला गया, आई माइनस आई वन। ठीक है, अब सपोज कर लो कि इसमें करंट आई टू चला गया, आई टू, तो इसमें करंट कितना चला गया, आई वन माइनस आई टू। केसीएल लगाएंगे यहाँ पे, तो इस ब्रांच में कितना आ गया, आई वन माइनस आई टू। ठीक, तो इसमें कितना चला गया, यहाँ से आई वन माइनस आई टू, यहाँ से आई वन प्लस आई टू। चलो क्या करते हैं, इसमें आई टू मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही हो जाएगा, इसमें मान लेते हैं आई टू, तो इसमें कितना चला जाएगा, आई वन माइनस आई टू, ये हो जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, आई माइनस आई वन प्लस आई टू, ये करंट फ्लो करेगा। ठीक, अब तीन लूप बना, एक लूप, दो लूप, तीन लूप। ठीक है, तीन लूप, तीनों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, आई होप सबको केवीएल इक्वेशन आता है। ठीक है, ठीक, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आई वन इधर गया, तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ पर केसीएल लगाएंगे तो आई माइनस आई वन। आई टू सपोज कर लो इस ब्रांच में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई वन आ रहा है और आई टू जा रहा है, तो आई वन माइनस आई टू, फिर आई टू आ रहा है यहाँ से, आई वन प्लस आई टू, मतलब दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ गया। ठीक है, ये ब्रांच में करंट हो गया। ठीक है,
अब इसमें केवीएल लगाते हैं, ठीक है। केवीएल लगाते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, जब करंट इंटर करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, ये ऐसे इंटर कर रहा है मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ये ऐसे इंटर कर रहा है मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, फिर ये ऐसे इंटर कर रहा है यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ये ऐसे जा रहा है मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। अब लूप वन में केवीएल लगाते हैं, लूप वन, ठीक है। लूप वन में, पहले लूप में, इस लूप में देखो यहाँ से चलना शुरू करो, माइनस से प्लस, तो क्या भी चले, भी का वोल्टेज का राइज हुआ, यहाँ से चलना शुरू करते हैं ऐसे, एक भी वोल्टेज का राइज मिला, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे आए, तो यहाँ पर देखो 1 ओम के रेसिस्टेंस में ड्रॉप आया, कितना आया, 1 × I − I1, फिर ऐसे चले, फिर यहाँ पर 2 ओम में ड्रॉप आया, −2 × I − I1 + I2, और दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। फिर लूप टू में लगाते हैं, लूप टू में चलो यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ से चलते हैं तो राइज मिला, 1 ओम में राइज मिला, कितना हो गया, 1 × I − I1, फिर ऐसे आते हैं तो 2 ओम में ड्रॉप मिला, −2 I1, फिर ऐसे आते हैं तो 1 ओम में ड्रॉप मिला, −1 या I2, और दिस इज इक्वल टू 0, इसके क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे। अब लूप थ्री में चलते हैं, लूप थ्री में चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलते हैं तो 2 ओम में राइज मिला, कितना, 2 × I − I1 + I2, फिर ऐसे चलते हैं तो 1 ओम में राइज मिला +I2, फिर ऐसे चलते हैं तो इस 1 ओम में ड्रॉप मिला −I1 − I2, और दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब देखो इसमें 2 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है और एक वोल्टेज हम लोग को रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक, सॉल्विंग इक्वेशन 2 और 3, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब सपोज इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक, सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 और 3, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से I1 और I2 का वैल्यू इन टर्म ऑफ I आ जाएगा, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से I1 जो आता है वह आता है −I/5, ठीक है, I2 जो आता है वह क्या आता है, 2/5π, ठीक है, I के टर्म में आ गया। अब I1 और I2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है, आई होप इधर समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, क्या करेंगे, I1 और I2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट I1 और I2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 7I = 5V, तो यहाँ से क्या हो गया, V/I = 7/5, ठीक है, सॉल्व करके चेक करेंगे कि V/I कितना आ गया, 7/5, तो हम लोग को क्या क्या मालूम था कि V/I क्या होगा, REV होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, REV हो जाएगा, यानी REV हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मेंस में आ सकता है, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बट वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, करेंट का डिवीजन पता होना चाहिए और KVL अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। अब ये जानने के लिए KVL कैसे अप्लाई करते हैं करंट का, तो हम लोग का जो बेसिक लेक्चर स्टार्ट चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें उस लेक्चर को फॉलो कीजिए, ठीक है, उसमें पूरे डिटेल से बताया गया कि KVL और KCL कैसे लगाना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अनबैलेंस्ड कंडीशन में हम लोग निकालते हैं आरिकुलेंट निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड इसका केस क्या था कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। क्या क्वेश्चन क्या है, करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कितना करेंट फ्लो करेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को। फोर हंड्रेड ओम, सिक्स हंड्रेड ओम, थ्री के ओम, वन के ओम, के ओम मतलब थाउजेंड, एक गैल्वेनोमीटर, एक रेसिस्टेंस 40 ओम, ठीक, यहाँ पे 220 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। हम लोग को ये करंट निकालना है कि ये करंट होगा क्या, ठीक है, बेसिकली इस ब्रांच से करंट कितना गुजरेगा, ठीक है, ए और बी का, मान लो यह पॉइंट ए है, ए है और यह पॉइंट बी है, तो ए बी के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा कैसे। अब देखो यहाँ पर चेक कर लो कि क्या यह बैलेंस्ड है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहला क्या क्या होना चाहिए कि इस तरह का जब भी सर्किट नजर आए तो चेक कर लेंगे कि क्या सर्किट बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है सर्किट वो बैलेंस कंडीशन में या अनबैलेंस कंडीशन में। तो क्या कंडीशन था, रेशियो चेक करते थे, ठीक है, रेशियो चेक करते थे, यानी यहाँ पे क्या रहा है 400/3 के, मतलब 400/3000 चेक करते, क्या इक्वल है 600/1000 का, नहीं, क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। जब भी अनबैलेंस्ड हो गया तो पी वाई क्यू वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक, कुछ दूसरा कंसेप्ट लगेगा। अब देखते हैं क्या है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, कि फर्स्ट स्टेप हम लोग इसमें आरटीएच निकालते हैं, ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट कि जिस ब्रांच के थ्रू करंट निकालना हो, कि अगर अनबैलेंस्ड कंडीशन दे दिया जाए और जिस ब्रांच के थ्रू करंट निकालना है उस ब्रांच को सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है, रिमूव द ब्रांच थ्रू विच वी हैव टू फाइंड करेंट आई, ठीक है, उस ब्रांच को रिमूव कर देंगे। मतलब ये ब्रांच क्या हो गया, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आई हो, क्वेश्चन लिख रही होंगे, ठीक है, मतलब मेरा सर्किट कैसा बन गया, बना देते हैं फिर से सर्किट, चार सौ, छः सौ, थ्री के, वन के, ए बी, ये 220 वोल्ट, ये फर्स्ट स्टेप होगा। पहले क्या करेंगे, जिस ब्रांच के थ्रू करंट निकालना होगा उस ब्रांच को रिमूव कर देंगे। स्टेप टू क्या है, फाइंड आरटीएच अक्रॉस एबी, जिस ब्रांच को रिमूव करेंगे उसके अक्रॉस आरटीएच निकालेंगे। स्टेप टू फाइंड आरटीएच अक्रॉस एबी के अक्रॉस आरटीएच निकालेंगे, ठीक है। और हम ये बता चुके हैं कि आरटीएच कैसे निकालते हैं, ठीक है, कौन से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर देखिए आप लोग, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, उसमें हम लोग आरटीएच निकालना सीखे हैं कि कैसे हम लोग आरटीएच निकालते हैं। बता देते हैं कि आरटीएच के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज ऑफ सोर्स एंड फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स एंड फाइंड आर ए बी, ठीक है, आर ए बी फाइंड कर लेंगे, ठीक, इसके अक्रॉस आर ए बी फाइंड कर लेंगे। हम लोग को किसके अक्रॉस निकालना है, इसी के अक्रॉस आर टी एच निकालना है, बेसिकली आर ए बी निकालना है। तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब सर्किट कैसा बन जाएगा, ठीक है, देखो बनाते हैं, ठीक है, स्टेप टू का सर्किट कैसा बन जाएगा। चार सौ, छः सौ,
3003 के, मतलब 3000 1000, और इसको बैटरी को शॉर्ट कर दी, सिंपली बैटरी को हटा दी और इसके अक्रॉस ए बी लगा दी। और यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि आर ए बी कितना आता है। ठीक है, अब देखो भाई इसको समझने के लिए जरा सोचो। ठीक है, यह शॉर्ट है, ठीक, इस सर्किट को रीड्रॉ करो, कुछ इस तरह होगा। ठीक है, हम लोग को इस शॉर्ट को हम लोग बीच में लगा देते हैं। ठीक, देखो कुछ इस तरह, और यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। यह क्या होगा, 400 600 3000 1000। अब देखो, अब हम लोग आर ए बी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर ए बी क्या होगा, यह दोनों क्या होगा पैरेलल में, यह दोनों क्या है पैरेलल में, पैरेलल, और यह दोनों क्या है, यह दोनों आपस में पैरेलल में। ठीक, और दोनों आपस में क्या है सीरीज में है, यह दोनों आपस में क्या है सीरीज में। ठीक, तो पैरेलल के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 पैरेलल टू 600। ठीक, यानी कितना हो जाएगा, 400 × 600 × 6 = 10, 1000। ठीक, 3 × 0 = 240 ओम, यहाँ से 240 ओम आ गया। यह दोनों आपस में क्या है पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, 3000 × 1000 / 4000। आर ए बी कितना हो जाएगा, आर ए बी 240 + 750 कितना हो गया, 990 ओम, 90 ओम। ठीक है, आर ए बी 990 ओम हो गया। ठीक है, ये स्टेप टू है। स्टेप टू क्या था कि आर टी एच निकालें, यानी आर ए बी हमने निकाल लिया। ठीक, स्टेप थ्री क्या है, वी टी एच निकालेंगे, इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा। ठीक, स्टेप थ्री, इरेज करते हैं। ठीक, इसी हो गया होगा। ठीक है, इसी को इरेज करते हैं। ठीक, स्टेप थ्री, स्टेप थ्री क्या है, वी टी एच निकालते हैं। ठीक है, स्टेप थ्री वी टी एच अक्रॉस ए बी, जिसको रिमूव किए उसके अक्रॉस वी टी एच निकालते हैं, मतलब ये वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, वी टी एच कितना हुआ। ठीक, अब देखो कैसे पता चलेगा। ठीक है, कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक, अगर हम लोग को ये वोल्टेज पता चल गया, ठीक है, सपोज कर लो कि इसके अक्रॉस का, इस 1 kΩ का रेसिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज वी वन है। ठीक है, क्या है, वी वन है। ठीक है, चलो कैसे भी हम लोग साइन दे दें उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये वी वन है, ये पॉजिटिव, तो ये वी टू ले लेते हैं। ठीक, अगर वी वन वी टू पता चल गया तो इसमें हम लोग के वी ए लगा सकते हैं। तो के वी ए लगाएंगे तो क्या होगा, देखो कहीं से भी हम लोग चलेंगे, यहाँ से चलो ऐसे। ठीक, तो प्लस वी टू का राइज हुआ, प्लस वी टू माइनस वी टी एच माइनस वी वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वी टी एच क्या आ गया, वी टू माइनस वी वन। अब हम लोग को वी वन वी टू निकालना है। वी वन वी टू देखो, वी वन यानी 600 ओम का रेसिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप। तो अगर वोल्टेज डिवीजन रूल आता है, ठीक है, कौन सा, बाई वोल्टेज डिवीजन रूल, बाई वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल अगर पता है तो क्या कर लेंगे हम लोग, इजिली हम लोग उसको 600 वोल्ट के अक्रॉस का वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह 220 वोल्ट किसके अक्रॉस लगा है, 600 और 400, इन दोनों के अक्रॉस लगा है। तो वी टू बराबर क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आई होप आप लोगों को वोल्टेज डिवीजन रूल आता होगा। ठीक है, वी टू बराबर क्या होगा, 600 × 600 + 400 × 220। कितना हो गया, ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 132 वोल्ट। सिमिलरली वी वन लगाएंगे तो वी वन किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, 1 kΩ के रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो इन दोनों में 220 वोल्ट इसमें और इसमें डिवाइड है, तो वोल्टेज रूल लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000/3000
प्लस 1000 इंटू 220, ये कितना आ जाएगा 55 वोल्ट। ठीक है, ये पता चल गया। ठीक, तो VTH कितना पता चल गया, VTH क्या हो गया, VTH क्या हो गया, V1 माइनस V2। V1 कितना है 55 माइनस, सॉरी V2 माइनस V1 है, V2 माइनस V1, तो V2 कितना है 132 माइनस 55। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 77 वोल्ट, 77 वोल्ट। अब जब ये आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक, VTH पता चल गया, अब हम लोग सर्किट को बनाते हैं। सर्किट को कैसा, वही अपना R इक्विवेलेंट वाला सर्किट बनाते थे। ठीक है, कैसा कि इस सारे सर्किट के बदले एक VTH और RTH से, ध्यान रहे A पॉजिटिव है, B निगेटिव है। ठीक है, मतलब स्टेप फोर सर्किट ड्रॉ करते हैं, स्टेप फोर ड्रॉ द सर्किट, स्टेप फोर ड्रॉ द सर्किट, ड्रॉ द सर्किट। ए क्या था, पॉजिटिव था, मतलब ए टर्मिनल था और बी टर्मिनल था, ये पॉजिटिव था, मतलब VTH इसके क्रॉस लगा होगा, प्लस माइनस, और कितना है 77 वोल्ट, और इसके क्रॉस एक RTH था, RTH कितना आया था 990 ओम। ठीक है, RTH कितना आया था 990 ओम, 990 ओम। हम लोग इस AB के क्रॉस लगा दिए, और AB के क्रॉस अब क्या लगा था, एक 40 ओम का रेसिस्टेंस और एक गैल्वेनोमीटर लगा था 40 ओम का, और हम लोग को यही करंट निकालना है। अब देखो, अब जो सर्किट था वो सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया, तो अगर यह I निकालें तो I बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज 77/990+40, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आता है 74.76 मिली ओम, 74.76 मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फाइन करते हैं। देखो गाइस, यह क्वेश्चन कितना कंसेप्चुअल था, इसमें क्या क्या हम लोग सीख लें। ठीक है, इसमें हम लोग RTH निकालना सीख लिए, VTH निकालना सीख लिए, वोल्ट KVL लगाना सीख लिए, वोल्टेज डिवीजन रूल सीख लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने का पर्पस था कि सारे कंसेप्ट को एक जगह करना, ठीक है, सीखना। ठीक है, तो इस तरह हम लोग I निकालते हैं, ठीक है, अनबैलेंस कंडीशन में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ट्राई कर होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, ट्वेंटी ओम, थर्टी ओम, सिक्सटी ओम, फोर्टी ओम, एक गैल्वेनोमीटर है और एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है 14 ओम, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा हुआ है 16 वोल्ट का। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, इस आई का वैल्यू निकालना है, फाइंड आई, फाइंड आई इक्वल टू व्हाट, आंसर बता देते हैं, आंसर कितना है 64 मिली एम्पियर। ठीक है, इस क्वेश्चन को गाइस ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जो स्टेप बताएं उसको फॉलो करना, ठीक है गाइस। ठीक, सो आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सर्किट देखेंगे, मीटर ब्रिज देखेंगे। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है जिसको हम लोग प्रैक्टिकल लैब में करते हैं, मीटर ब्रिज, उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन मेंस एडवांस में आता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।